सो फ्रेंड्स, आज अपने स्टूडियो में बात करने वाले हैं सोडिंजर वेव इक्वेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं सोडिंजर वेव इक्वेशन। तो जो सोडिंजर वेव इक्वेशन है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये होता है किसी कण की स्थिति को समय के सापेक्ष व्यक्त करने के लिए। है ना, सोडिंजर इक्वेशन क्यों दी गई? किसी कण की, है ना, किसी पार्टिकल, किसी कण की स्थिति को समय के सापेक्ष व्यक्त के लिए, समय के सापेक्ष व्यक्त करने के लिए। अब इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि इस इक्वेशन की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इस इक्वेशन को व्युत्पन्न करके देख लेते हैं। तो इस समीकरण की व्युत्पन्न के लिए क्या होता है? जो तरंग फलन होता है, ना, साई का मान होता है, वो सी साइन 2 पाई अक्स अपॉन लेमड़ा के होता है। ठीक है, साई का मान क्या होता है? सी साइन 2 पाई एक्स लेमड़ा। अब ये जो इक्वेशन वन है, इस इक्वेशन वन का अक्ष के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर देंगे। कितनी बार? 2 बार अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी अपन को डी स्क्वायर साई अपॉन डी अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर सी साइन 2 पाई अक्स अपॉन लेमड़ा। ये वैल्यू देखने को मिलेगी। अब अपन सबने अभी देखा था कि सी साइन 2 पाई अक्स है, वो किसका मान है? साई का मान है। तो इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर अपॉन साई डी अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर, ये साई इंटू साई आ गया। अब ये जो लेमड़ा स्क्वायर है, इस लेमड़ा स्क्वायर के मान की आगे अपन को जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे अपन को किसका मान निकालना है? अपन को मान निकालना है लेमड़ा स्क्वायर का। तो लेमड़ा स्क्वायर का ओनली अपन को लेमड़ा स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? डी अक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साई, क्योंकि यहां ये लेमड़ा के अंदर है, तो सिर्फ लेमड़ा का मान निकालेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को अपन उल्टा कर देंगे। तो डी एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, डी स्क्वायर लेमड़ा नीचे आ जाएगा। ये जो 4 पाई लेमड़ा है, फिर इसको ये जो 4 पाई लेमड़ा है माइनस 4 पाई, ये नीचे आ जाएगा। तो फिर अपन इसको यहां इंटू के अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 पाई स्क्वायर ये साई। तो ये क्या है? अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब अपन सब जानते हैं कि किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिशील, क्योंकि अपन यहां पे किसी कण की स्थिति को ही सापेक्ष अपन इसका व्यक्त करते हैं सोडिंगर इक्वेशन को। तो गतिशील कण की गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा को देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा अभी के ई इज इक्वल टू 1/2 एमवी स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 को एम से गुणा कर देंगे, एम से गुणा कर देंगे, और एम से गुणा करके ही एम का क्या दे देंगे? इसमें भाग दे देंगे, है ना, एम से ही डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया? के ई इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम। इसको गुणा करेंगे तो एम एम से, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, और भाग देंगे तो एम बच जाएगा। तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में देखते हैं, यानी ये जो सोडिंगर इक्वेशन है, ये गतिज ऊर्जा और डी ब्रोगली इक्वेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से, तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, अच्छी वीडियो है। तो आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला उस वीडियो पे। तो के ई इज इक्वल टू, तो सॉरी डी ब्रोगली इक्वेशन देख रहे हैं, तो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा। क्या होती है? पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा होती है। तो अपन सब जानते हैं कि P इज इक्वल टू, P क्या है? संवेग। तो संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान, मास इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू
वेग होता है, तो इसकी वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा। इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। अब ये जो अपने इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन 5 की ये दोनों साइड है, इन दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को 2 से गुणा करने पर, यानी 2 से क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, तो अब यहां पे क्या आ गया, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर अपने इक्वेशन नंबर 4 में देखा था, इक्वेशन नंबर 4 अपनी क्या थी, के ई इज इक्वल टू, जहां आपने एम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। तो यहां पे ये जो एम वी है, इसकी वैल्यू यहां पे अपन पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 6 का मान जो अपने इक्वेशन नंबर 4 है, कौन सी इक्वेशन नंबर 4 है, उसके अंदर क्या कर देंगे, इसका मान पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मान यहां पे पुट कर देंगे, तो 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा, एच स्क्वायर और ये एम यहां पे रही गया और ये लेमड़ा स्क्वायर आ गया। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 7 के अंदर ये लेमड़ा स्क्वायर का मान है, ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लेमड़ा स्क्वायर का मान इसीलिए ज्ञात किया था, अब आपको पता चल गया होगा, तो ये जो लेमड़ा स्क्वायर का मान है इसको अपन यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा कि इक्वेशन 7 के लेमड़ा स्क्वायर में इक्वेशन 2 के लेमड़ा स्क्वायर का मान पुट करने पे क्या आता है, के ई इज इक्वल टू आ गया, मान पुट कर देंगे, तो अपन सबसे पहले लेमड़ा स्क्वायर का मान क्या है, क्या था वो अपन देख लेते हैं, मैं आपको साइड में थोड़ा सा मान लिख के बता देता हूं, लेमड़ा स्क्वायर का जो मान था वो लेमड़ा स्क्वायर का मान अपन को मिला था डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लेमड़ा डॉट माइनस 4π लेमड़ा स्क्वायर डॉट साई, ये अपन को लेमड़ा स्क्वायर का मान है ये देखने को मिला था, तो यहां पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। अब अपन को लेमड़ा का मान सबसे पहले 2m, अब लेमड़ा का मान रखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस 4π स्क्वायर, क्यों माइनस 4π स्क्वायर यहां से शुरू होगा डॉट 1 अपॉन साई, क्योंकि साई भी इसी के साथ में नीचे आएगा, अब ये जैसे आएगा तो डी साई तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा लेमड़ा स्क्वायर का मान कहां पे नीचे की साइड है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी अक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, तो के ई इज इक्वल टू क्या आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ गए, ये टोटल माइनस का हो गया 8π स्क्वायर एम 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई डी अक्स स्क्वायर। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 8 दे दी, क्या आ गई इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब क्या होता है, जो कण की कुल ऊर्जा होती है, कि कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, किसी कण की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो किसी कण की जो टोटल एनर्जी वो होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, क्या होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी कण की टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी होगी ई, गतिज ऊर्जा क्या होगी के ई होगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वी हो गई। अपन को किसकी गतिज ऊर्जा देखनी है, तो क्या आ गया के ई इज इक्वल टू आ गया ई माइनस वी, इस वी को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 9। अब ये जो के ई का मान है इक्वेशन 9 में, ये जो के ई है, इस के ई का मान जो इक्वेशन नंबर 8 है, इसका मान यहां पे पुट कर देंगे, तो जैसे ही इसका मान यहां पे पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपन को माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर एम, के ई का मान यहां से लिख रहे हैं 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख दिया
ई माइनस वी आ गया। अब क्या करेंगे, इस साई को इधर भेज देंगे, तो क्या आ गया माइनस एच स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साई को भेज दिया तो ई माइनस वी आ गया। अब क्या करेंगे, इस ये जो पूरी इक्वेशन है इस इक्वेशन को अपन जीरो के बराबर कर देते हैं, किसके बराबर करते हैं जीरो के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा चिन्ह जो चिन्ह थे माइनस प्लस के वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो अपन ने सबसे पहले वो इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं मैं, क्या थी एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई ई माइनस वी, ये जो इक्वेशन थी ठीक है, ये इक्वेशन अपन को देखने को मिल गई थी। अब अपन कर देंगे इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ गया डी स्क्वायर साई अपॉन, यानी इसको अपन इधर ले जाएंगे, तो ये जो चिन्ह है ये पूरे के ऊपर ही है, इसके ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, पूरे के ऊपर ये माइनस का है, तो क्या आ गया माइनस डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया साई ई माइनस वी, तो ऐसे का ऐसा ही था, इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये क्या है ऊपर चला जाएगा एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये यहां ऊपर चला गया। अब क्या होगा, इस इक्वेशन को पूरे को किसके बराबर कर दिया जीरो के अपन बराबर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एट, इसको कर देंगे तो प्लस के अंदर चला जाएगा पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू, ये साई इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये जो थी यही क्या है सोडिंगर इक्वेशन है। तो यहां पे ये जो इनका नाम देख लिया, यहां पे ये जो एम है ये एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये एम क्या है यहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच है यहां पे प्लैंक नियतांक है, ई है यहां पे टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की क्या है टोटल एनर्जी, वी है यहां पे स्थितिज ऊर्जा, ये है तरंग फलन फाई है आप साई है यहां पे तरंग फलन है, और ये जो अक्ष वगैरह है ये क्या है यहां पे निर्देशांक है। तो ये है अपनी तरंग के लिए, तरंग इक्वेशन के लिए सोडिंगर इक्वेशन। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।